है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आपको हम उस व्यक्ति के बारे में, कैसा वह व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है, ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आपका आपको भी अच्छा लगेगा, और ऐसा अच्छा लगेगा हल्दी लगे न फिटकरी, रंग तो पक्का लगा रहा है, तो कैसा रंग पक्का आता देखो। जिसमें जीवन का जो आधार था टूटने जैसा है, एक का घर बिखरने को है, घर होते हुए बेघर होने जा रहा है, जिसका घर में कोई भी नहीं रहा, अकेला है। 50 सदस्य थे, अब वह रह रहा है। एक का राजसी ठाट से बिल्कुल करोड़पति वाला भी रोडपति बनना जा रहा है। समझ आ रहा है? रोड पर है, अब रोड से तो आए लेकिन रोड पर नहीं। ऐसे अनेक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति के बारे में अपना संकेत दे करके वह जाता है। वो कौन है? इन सभी समस्याओं के बीच में भी अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। आपने जाना होगा, सुना होगा, बल्कि देखा होगा, परिचय भर नहीं करते हैं आप। इसी तो हम कहते हैं, जिसके द्वारा रंग पक्का होता है उसको आप ढूंढ निकालो। ये रंग जो है ना, होली के रंग है ये, समझे? अरे अपने हाथ से छुड़वा दे, ये काय को रंग लगावा। एक रंग लगाओ ऐसे बहिरंग और अंतरंग में रंगी रंग हो जाए, दोबारा नहीं आए। इसलिए न ही आप दिवाली मनाते हैं और न होली। ऐसे व्यक्तियों को हम उपदेश कैसे दें समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी देता रहता हूँ। वो कौन व्यक्ति है? डाकिया, डाकिया बनते हैं ना उसको, हाँ, पोस्टमैन। बस सारे के सारे वार्ताएं उसी के हाथ से वितरित होती है, और जिसको जो ही मिल गया, डाकिया डाकिया आ गया, आज तो बहुत अच्छा मन, खोलते हैं देखते हैं रोना चालू हो जाता है। शोक समाचार, और शोक समाचार देने वाला कौन? डाकिया। आप सुनत मिले जिन्होंने, आप उल्लास के साथ बैठे थे और शोक सागर में डूब गए। ऐसे व्यक्ति डुबाने वाले को तो दंड तो पहले देना चाहिए,
नहीं समझे डाकिया को, दिन दहाड़े आपको रोना दिया, जाओ न्यायालय में जाओ, आप अन्याय करते, यह आपको जो रोना पड़ा है यह आपके ही किए हुए कर्म की वजह से, डाकिया के कारण नहीं। और वो डाकिया एक प्लेट दे दिया, बिल्कुल गरीब था, जा ही रहा था, हमेशा जा ही रहा था, जो कुछ लगातार जा ही रहा था। अब उस डाक में आया है, अब आप पीढ़ी पीढ़ी तक बैठ करके खाओगे तो भी वह समाप्त नहीं होगा, ऐसा उसमें आया था। क्योंकि आपके दादाजी परदादा जी ने जो दिया था वो सारा सारा एकत्रित होता हुआ आपके पुण्य से आपको मिलने वाला है, आपको वहां तक जाना है। यदि 10 भव का मिलकर के मेरे पास आ रहा है, मैं वहां पर क्यों जाऊं? जो देना है वो आकर के हमें दे, ब्याज सहित सभी दे। हाँ, इस प्रकार का वार्ता और सुन लिया उन्होंने। ऐसे अनेक वार्ताएं डाकिया के माध्यम से सुनने के बाद भी जब कभी भी आपके आंगन में पुनः डाकिया आ जाता तो उसके बारे में आप कभी गुस्सा बोलो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल आपको केवल ज्ञान अभी तक क्यों नहीं हुआ ये समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता ऐसे क्यों, ऐसी को केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, कभी रोना, कभी हंसना, कभी स्तब्ध रहना, कभी ऐसा होना, ये तो सब लोग करते हैं। प्रासंगिक वैराग्य है आप लोगों का, वैराग्य स्थायी नहीं। अस्थायी तो आपके पास है महाराज, आशीर्वाद तो देव, हमारा आशीर्वाद का महत्व कम हो जाएगा। हम भी सोचते हैं हम ऐसे डाकियाँ हैं, नहीं समझे आप लोगों के कहने में आएंगे नहीं। हाँ, कितनी भी रो, जिस प्रकार उस डाकिया को आपके रोने के बारे में दुख नहीं होता, क्योंकि ये संसार है। ऐसा उसने कर्तव्य अपनाया। मैं सोचता हूँ मुनि बनना बहुत आसान है, डाकिया बन जाओ बिल्कुल। कभी शुभ कभी अशुभ, कभी विषम कभी सम, यह तो सुषमा सुषमा दुखमा दुष्मा, ये तो चलता रहता है। अभी दुष्मा है, दुखमा दुखमा और आने वाला है, अभी यही ठीक है, रोइयो नहीं। उस समय रोने रोएंगे आंखों में पानी तक नहीं आएगा, इतना सुखाना पड़ेगा, इतना दुख है, इतना दुख है, दुख डबल दुख ही दुख है, फिर भी जीवन यापन करना ही है। आज वर्तमान में पंचम काल है, दुखमा है, दुख के साथ हम कुछ धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, इसलिए वह हमारे लिए चतुर्थ काल से बढ़कर के। छठी गुणस्थान तक पीड़ा चिंतन बताया गया, आत्म ध्यान की सीमा होती है, और छठी गुणस्थान आप लोगों को प्राप्त नहीं होता, हमें होता है, जो गिरावट का नाम है। सप्तम गुणस्थान से नीचे आ जाते हैं, लेकिन वह इस ढंग से व्यवस्थित रहता है, वह इसके नीचे नहीं आता, यह उसका पुरुषार्थ है। कोई गिर गया लेकिन वह पहले ही सीढ़ी पर अटक गया, अटक क्या गया तो पकड़ लिया उसने, नहीं तो नीचे धड़ाम से जाना ही है। ऐसा एक एक अंतर मुहूर्त में जिनका उत्थान और पतन होता रहता है, वह दुनिया में रह करके भी दुनिया से निरा रहता है, तभी वह अपने आप को सुरक्षित रख पाता है।
ऐसा वह नौकरी कर रहा है डाकिया, लेकिन वह कहता है कि हमारी नौकरी ना छूटे ताकि मैं व्यवस्थित रह सकूं। पंचम काल हो या छठम काल हो, किया हुआ अपना है, ये विश्वास रखिए। काल के ऊपर दोष देना ये मूर्खता मानी जाएगी, यह अविवेक माना जाएगा, या हम लोगों का जो है ना एक प्रकार से समझदारी की कमी है ये। हाँ निश्चित है, गले को कोई बांधता नहीं है, बहुत अच्छा है, नहीं समझे, क्योंकि अज्ञानी है। अरे गदा का एक है, अरे भैया गले के गले में बांध भी दो तो भी उसको अच्छा बुरा नहीं कुछ भी नहीं है। आप तो बार बार यूँ देखेंगे गले की ओर, अरे गले में फांसा है, कोई भी आ गया मान लो इसको झटका देगा तो क्या होगा, हाँ नहीं लेता। अरे कम से कम हमें देख तो लेते हैं, हाँ देखो चैन है, तो चैन पहनते हैं, दूसरे के देखने से चैन अनुभव होता है। हमने देखा एक व्यक्ति कॉलर के ऊपर चैन आ रही, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता, फैशन नहीं वो तो दिखाता, हम भी हमारे पास भी चेन है, ये क्या है, दुख बेचैन है, डबल चेन नहीं, बेचैन में तो डबल चेन होते हैं, बेचैन है तो बे मिनट वो डबल चेन है, ये कैसे, तो मान्यता के ऊपर, हमारी मान्यता सिद्धांत के आधार पर है कि यह सब पर्याय लहर तरंगे उठ रही हैं जा रही हैं, उठ रही हैं जा रही हैं, लीन हो जाती है कहाँ पर, तट तक जाकर के समाप्त। हमारी आत्मा की जो सीमा है वो सीमा के बाहर, हमारी तरंगे नहीं जा सकती और बाहर के व्यक्तियों की तरंगे मेरे भीतर आ नहीं सकते, क्योंकि तरंग ही बता रही है, ये तरंगे उसी की होती है जिसमें उठती भी है और समाप्त हो जाती है, एक एक क्षण में इस प्रकार हो रहा है। भगवान का स्वरूप यही है, ऐसे मान करके डाकिया के बराबर हमें भी सारी सारी वार्ता सुनने के उपरांत भी, अपने सुख और दुख के संवेदन होने के उपरांत भी शांति का अनुभव कर लेना चाहिए, क्योंकि आज भी दुखमा है, आगे दुखमा दुखमा आ जाएगा तो क्या होगा, दुखमा दुखमा के काल में नरक से ही आएंगे और नरक ही जाएंगे, दो जाएंगे, स्वर्ग उसके लिए है ही नहीं। जो व्यक्ति दुखमा में हाय हाय नहीं करता हुआ सहन कर लेता उसके लिए स्वर्ग संभव है, और जो हाय हाय में लगा है वो उसके लिए तो नरक। तो यह लिखा है ग्रंथों में, छठम काल में जिसको दुखमा दुखमा बोलते हैं, उस समय नीचे से ही आएंगे और नीचे ही जाएंगे, मनुष्य बनेंगे तो सही, मनुष्य बनने की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लेकिन वो सारे सारे उम्मीदवार नरकों से आएंगे, यहाँ पर भी थारी मारी करेंगे, पुनः नरकों में जाएंगे। बहुत बॉर्डर पर खड़े हो काल के भी, और यहीं पर तो आप बैठे ना, जहाँ पर धरती पर, उसी धरती के नीचे नरक है, बहुत पास है, थोड़े से खोद करके देख लो, ये पास है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है ये पक्का, तृतीय अध्याय में अधोबोध रत्न प्रभा, रत्न के प्रेमी हो खोदो, वहां पर पूरे पूरे, लेकिन एक रत्न वहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, हाथ नहीं लगा सकते वहां पर, और सागर पवाए तक वहां पर दुख का अनुभव करो। तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण है,
संवेदन के साथ हम चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो संवेदन करें तो अवश्य सार्थक होगा। संवेदन तो है आप लोग, किंतु आवेदन बहुत करते रहते, निवेदन बहुत करते रहते। महाराज हमारी निवेदन, रोते हुए हम आए हैं, कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। तो अब क्या करें हम, बोलो, एक हथौड़ा दे दो, क्योंकि हम पूरा जो आशीर्वाद है उसको तोड़ तोड़ करके दे दें कम से कम। अरे पूरा दे रहे हैं, भाग्य नहीं है आशीर्वाद को सहन करने की, पक्का है इसमें कोई संदेह नहीं। हर एक व्यक्ति को फलता नहीं, इसमें कुछ होगा, हुआ नहीं, प्योर है, लेकिन प्योर दूध पीने की क्षमता भी बच्चे के पास नहीं, लीवर का शिकायत, क्या करें। ये पक्का है कोई भी काल हो, चाहे वहां चतुर्थ हो चाहे पंचम हो, आपका किया हुआ फल आपको ही मिलेगा। इस सिद्धांत को याद करोगे, सम्यक दर्शन जो काट्य बना रहेगा आपका, लेकिन उसमें हाव हूं मत कर रहा करो। हाव हूं कर भी लो, लेकिन वह उतना ही, ज्यादा हाय हाय करोगे ठीक नहीं, फिर वह मतदान की ओर चला जाएगा। नहीं समझे, आचार संहिता लगी है, हाव हूं कर सकते हो, छठे गुण स्थान तक पीड़ा चिंतन हो सकता है, लेकिन अप्रमत्त हुआ हमेशा शांत रहना चाहिए। इसी को पढ़ो और अध्ययन करो, इसी बारे में बार बार, आज का ये उदाहरण इतना पर्याप्त है, अभी भी याद आ गया था, हमने सोचा ये परोस दो तो अच्छा है, हमने परोस दे, खा रहे हो क्या। नहीं, हाँ बहुत अच्छी अच्छी जो है हम माल मलीज बना करके देते हैं, और 10 मिनट में ही बोलो ना, हाँ पूरा पूरा वो क्रीम, अच्छा रीम के बदले में क्रीम ही अच्छा है। ये है पक्का, अपना संवेदन मंत्र के बिना भी हमारे लिए बहुत कुछ उपचार का कारण बन सकता, बनता है, ये विश्वास की बात है। इस प्रकार पोस्टमन डाकिया की वृत्ति यदि मुनि महाराजों में आ जाए, और उसका थोड़ा थोड़ा अनुकरण, नहीं समझे, आंखों को मलते हुए ही सही, किसी को कहियो नहीं। क्या हुआ था, आप रो रहे थे? नहीं, रो नहीं रहे, थोड़े से कचरा गया था आंखों में, थोड़ा सा मल रहा था, हाँ किसी को दिखा करके नहीं मलो। कुछ लोग ऐसे मलते हैं, थोड़ा सा भी दुख हुआ है, नहीं दोनों पल्ला जाएंगे। दोनों पल्ला, और यूं यूं कर रहे हैं, मैंने कहा बहुत बहुत बड़ा कचरा गया है। तो दुखा भी अभिव्यक्ति ऐसी भी की जा सकती है, कैसे भी करो, लेकिन अपने तक सीमित रखो, और दुख का संवेदन करते 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 सुख के संवेदन कब आता है, क्या आता है, भूल जाओ तो अच्छा है। क्योंकि संवेदन में जब तक चुनाव होती रहती है तब तक विकल्प होते रहते हैं, और ये पंचम काल में और कुछ होना नहीं है, ये आगम के ऊपर विश्वास करो कि दुखमा है, डबल नहीं है, इतना ही पर्याप्त सहन करने की क्षमता है। तब अन्य कार्यों में क्षमता है तो इसमें क्यों नहीं है, तो इतना ही पर्याप्त है। आपका गुणस्थान मिटेगा नहीं, जो कार्य बनाए रहेगा, क्योंकि कर्म के उदय में, उदय के भाव में ऐसा ही अनुभव में आता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी।